नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार की पंचायत पे राज्य सरकार के साथ अब केंद्र सरकार भी खुश होती दिख रही है। जी हां, हम आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद बिहार की पंचायत राज को कुल 7,702 करोड़ की राशि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई है। बिहार में ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए बिहार पंचायतों को केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थानों को 7,702 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बिहार की 8,058 ग्राम पंचायतों को 2,689 करोड़, 533 पंचायत समितियों को 576 करोड़ और 38 जिला परिषदों को 576 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य वित्त आयोग से भी पंचायत संस्थानों को 3,680 करोड़ रुपए की राशि मिली है, यानी कि कुल मिलाकर पंचायतों को 7,702 करोड़ रुपए बिहार पंचायत सरकार को ट्रांसफर किए गए हैं। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में योजना मद को नज़र में रखते हुए 14 अरब रुपए पंचायत राज विभाग को दिए थे, जिनमें मुख्य रूप से 12 योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था। लेकिन इनमें से कई योजनाएँ शुरू ही नहीं हुई, और जबकि कई ऐसी योजनाएँ भी हैं जिन्हें शुरू तो कर दिया गया लेकिन पूरी तरह किया नहीं गया। वहीं इस बार पंचायत राज विभाग की प्रगति रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा रफ्तार से चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य पूरा करना संभव नहीं है। यह बात दीगार है कि सरकार 100% पक्की गली नाली बनाने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत सच्चाई से कोसों दूर है। इसी तरह पंचायती राज विभाग का दावा है कि 98% हर घर जल नल योजना को पूरा कर लिया गया है। इस उपलब्धियों को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। हकीकत में योजना अभी तक ज़रूरतमंदों तक पहुंची ही नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बिहार के पंचायती राज विभाग को 7,702 करोड़ रुपए दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन रुपये को सरकार किस तरीके से लोगों की मदद में लगाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।